हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MIC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले दो क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक काम किया और इस क्लास में हम आपके NCERT बुक के प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, और आगे कह रहा है कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आगे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है साइन ए और कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं। हमारे पास एक फिगर दिया है, इसमें उसने कहा है कि B जो है समकोण। तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी और ये सी। हमारा बी जो है वो समकोण है 90 डिग्री का। अब जो AB दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। AB हमारे पास दिया है 24 सेंटीमीटर और BC जो दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। और निकालने के लिए बोला है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस ए। दोस्तों, हमें पता है कि जो भी रेशियो निकल के आता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, इन्हीं तीन भुजाओं का वो अनुपात होता है। तो हमारे पास दो भुजाएं दिए गए हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण, अगर एंगल ए की बात की जा रही है। तो हमें पता है यहाँ केवल आधार और लंब दिया गया है, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसकी सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, लंब हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 24 का स्क्वायर। यहाँ से बच्चे निकल के आता है ये कर्ण स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, इसका होगा 576। ऐड करने के बाद यह निकल के आता है कर्ण का स्क्वायर 5 2 और ये 625। तो कर्ण इक्वल टू स्क्वायर को उधर भेजेंगे हम तो ये अंडर रूट बन जाएगा, हमने बेसिक क्लास में बताया था। तो यहाँ से हमारा कर्ण जो निकल के आया वो 25, यानी कि कर्ण की वैल्यू हमें मिली है 25। चलिए, हमें पहला तो निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर हम बात करें इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब का काम करेगा और इससे जो लगे हुए भुजा वो आधार का काम करेगा। 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है, कर्ण किसी भी एंगल को चेंज करने पे हमारा नहीं बदलता है। तो अगर हमें साइन ए निकालना है तो इसके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमने निकाला है, लंब हमें दिया गया था 7 और कर्ण हमें निकल गया है 25। यही बात करें कॉस ए की, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास दिया गया है 24 और कर्ण 25। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब बात की जा रही है दूसरे पार्ट की। यहां हमें निकालना है साइन से, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब जब बात की जा रही है एंगल सी की, ना कि एंगल ए की, तो एंगल सी के सामने वाला जो भुजा होगी वो हमारा लंब का काम करेगा
और इससे लगा हुआ जो भुजा होगा वो आधार का काम करेगा। जैसे मान लो एंगल सी की जो बात की जाएगी, तो इसके लिए आधार ना होके ये बन जाएगा लंब। क्या बन जाएगा? लंब। और इससे लगा हुआ ये अब लंब ना रह के इस एंगल के लिए बन जाएगा आधार। और कर्ण हमारा वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो साइन सी के लिए होगा लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब का काम कर रहा है 24 और कर्ण हमारा 25 ही है। कॉस सी की बात करें तो ये होता है आधार बटा कर्ण। कॉस सी के लिए उससे लगा हुआ आधार होगा, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार हमारा होगा 7 और कर्ण होगा 25। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं आपकी। और जो हमारे पास फिगर दे रखा है हमारे पास है क्यू, यह है आर और ये है पी। यहाँ दे रखा 12 सेंटीमीटर, ये देख दे रखा 13 सेंटीमीटर, ये हमें नहीं पता है। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आकृति 8.3 में टेन पी माइनस टेन कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास कुछ फिगर दे रखा है। तो इस तरीके से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जो कि 90 डिग्री हुआ। अब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हुआ, इससे लगा हुआ, अगर इस एंगल की बात करें आर के लिए, तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार का और ये कर्ण का। तो मान लीजिए ये कर्ण है, इसकी बात करें तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार हमें पता नहीं है। और अगर समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरा हमें ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ये हमारा कर्ण रहा, इसके लिए ये आधार रहा और ये लंब रहा। तो हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया है 13 का स्क्वायर, ये रहा लंब हमारे पास 12 और आधार हमें फाइंड आउट करना है। ये होगा 169, ये होगा 144 और प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये 169 में से सब्ट्रैक्ट होगा, आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये जो हमें मिलेगा 5225 मिलेगा आधार का स्क्वायर होगा। और यहाँ से जब हम आधार निकालेंगे तो ये हो जाएगा √25 आधार। तो इस तरीके आधार जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 5। तो आधार का मान निकल के आया 5। अब हमारा क्वेश्चन जो है हमसे कहा जा रहा है निकालिए tan p माइनस cot r। तो हमें पता है tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो अगर बात करें टेन पी की तो इस एंगल की बात की जा रही है। अगर बात की जाए इस एंगल की तो इसके लिए सामने वाला होगा लंब, ये होगा लंब और ये होगा आधार और कर्ण हमारा वही रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होगा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन पी, पी ये रहा इसके सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम टेन पी। तो लंब, लंब हमारे पास दिया है 5 और आधार दिया है 12 माइनस। कॉट आर की बात करें तो आर के लिए
ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो कॉट आर के लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा लंब। आधार हुआ हमारा 5 और लंब हुआ 12, तो ये सब्ट्रैक्ट होके हमें 0 मिलेगा। ये रहा आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास दे रखा है यदि साइन 3 साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4 और हमें पता है साइन ए का मान होता है साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि हमें लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास दिया गया है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ए रहा 90 डिग्री, तो इसके सामने का ये रहेगा कर्ण। बात करें हम इस एंगल ए की, तो इसके लिए ये करेगा काम लंब का और ये आधार का। क्वेश्चन में हमारे को लंब दे रखा है जो कि 3 है और कर्ण दे रखा है जो कि 4 है, और हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है कॉस ए और टेन ए। तो हमें पता है जब भी किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई होती हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्रमेय हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका हमें दिया गया है 4 का स्क्वायर, लंब भी दिया गया हमारे को, हमें फाइंड आउट करना है आधार, ये बड़ा 16, ये रहा 9 और प्लस का आधार स्क्वायर। तो 16 - 9 ये आपका रहा आधार स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास निकल के आया ये हमारे पास आया 16 - 9, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 7 और यहाँ से हमें मिल जाएगा √7 आधार की वैल्यू होगी। ठीक भाई, अब ये रहा हमारे पास आधार जो निकल के आया √7। हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/15। अब हमें पता है टेन बराबर होता है लंब बटा आधार और उसी का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इस तरीके से हमें पता है कि जो भी ये अनुपात मिलता है वो एक संपूर्ण त्रिभुज के तीनों भुजाओं से किन्हीं दो भुजाओं को लेके बनाया जाता है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें ये हमारा एंगल ए हुआ, इसकी बात करें तो ये बी हुआ और इसकी बात करें तो ये सी हुआ, और इसके लिए ये लंब का काम करेगा
ये आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। ठीक है भाई, तो आधार की बात करें, आधार हमारा दिया है 8 और लंब दिया है 15। तो जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो और तीसरी भुजा आपको फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, गोरस परिमेय, आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों हमारे पास लंब दिया गया है 15, यहाँ हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और आधार दिया गया है 8, तो ये रहा 8 का स्क्वायर। तो 15 का होगा 225 और 8 का होगा 64, तो ये हमारे पास आ गया 289। और हमें पता बच्चे, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये रहा कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बनेगा और ये होगा 289। तो इस तरीके से हमारे को कर्ण इक्वल टू 17 मिल जाएगा। तो बच्चे हमारे यहाँ कर्ण हमें मिला 17। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और कॉस ए। चलिए, तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। अगर हम बात करें एंगल ए की, तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17। बात करें बच्चे सेक ए की, तो सेक ए इक्वल टू होता है कॉस का उल्टा हमारे पास सेक होता है और कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण दिया गया बेटा 17 और आधार दिया गया 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, दिया गया सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन है, सेक तो दिया गया है, कॉसेक निकालना है और कॉट निकालना। तो चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो सेक थीटा होता है 13/12 होता है और हमें पता है सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये कर्ण बटा आधार यानी कि हमारे को कर्ण दिया गया 13। अगर एंगल हमारे को ये थीटा मान लिया जाए, अगर हम इसे थीटा एज्यूम करते हैं, तो ये इसके लिए कर्ण हुआ, ये सामने वाला लंब हुआ और ये हुआ आधार। ठीक है, तो तीसरी भुजा हम निकालने के लिए हमारे को दो भुजा दी गई है, ये आपका रहा कर्ण 13, आधार रहा 12 और लंब निकालना। तो हमें पता है कि अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस परिमेय, हम लगा सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें दिया गया है 13, लंब निकालना हमें, आधार दिया गया बच्चे 12 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 169। इसको इधर भेजेंगे तो ये बन के आएगा 144 और ये लंब का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से 5 आएगा, 2 आएगा और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट बनेगा और ये लंब होगा, तो लंब की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो 5 होगा। तो इस तरीके से बच्चे ये 5 आ गया। अब बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम निकाल लेते हैं। पहला होगा साइन थीटा, साइन थीटा ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब पीछे दिया गया 5 और कर्ण की बात करें तो ये 13 है। कोस थीटा की बात करें हम, तो कोस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, तो अगर हम आधार की बात करें तो ये दिया गया 12 और
बच्चे लंब बटा आधार, तो लंब दिया गया 5 और आधार क्या दिया गया 12। सेक तो हमें दिया गया है, कौशिक की बात करें तो कौशिक होता है साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 13/5। कोट की बात करें तो कोट थीटा होता है टैन का उल्टा, तो टैन बटा लंब बटे आधार और ये हो जाएगा आधार बटा लंब, तो बच्चे हो जाएगा 12/5। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट करिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से कम हो, जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, एक समकोण त्रिभुज। यह हमारे पास रहा ए, इसको हमने नाम दिया बी और ये रहा सी। अगर हम बात करेंगे एंगल ए की तो इसके लिए सामने की भुजा लंब होगा, और अगर हम बात करेंगे एंगल बी की तो इस एंगल के लिए इस सामने वाला भुजा लंब होगा। तो दिया गया है, गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हम बात करें एंगल ए की तो इसके लिए होगा, एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी जो कि है बी सी, और इसके लिए कर्ण होगा, कर्ण तो वही होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण नहीं बदलता। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो एंगल ए के लिए लंब का काम बी सी करेगा, आधार का काम ए सी करेगा और कर्ण का काम ए बी करेगा। तो इसकी हेल्प से हम लिखते हैं, हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो अगर हम आधार की बात करें तो एंगल ए के लिए होगा आधार ए सी और कर्ण का काम करेगा ए बी इक्वल टू। अब हम बात करने जा रहे हैं एंगल बी की, तो जब हम बात कर रहे थे एंगल ए की तो इसके सामने की भुजा लंब ये थी, आधार ए सी था और कर्ण की बात करें तो ए बी था। जब हम बात करेंगे एंगल बी की तो इसके सामने की भुजा लंब का काम करेगा जो कि हमारे पास दे रखा है ए सी, इससे लगा भुजा, इससे जुड़ा भुजा जो है वो है बी सी, वो आधार का काम करेगा और ये कर्ण कभी नहीं बदलता। तो चलिए इसकी मदद से हम लिखते हैं, तो अगर एंगल बी की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। एंगल बी के लिए आधार का काम करेगा बी सी और कर्ण का काम करेगा ए बी। यहाँ हम क्या देखते हैं कि ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आता है ए सी इक्वल टू बी सी। चूँकि ए सी इक्वल टू बी सी है तो हम लिख सकते हैं अर्थात ए सी के सामने की जो भुजा है एंगल बी और बी सी के सामने की जो भुजा है एंगल ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी से ये एंगल जो है इक्वल होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे फिर मिटाता हूँ। निकालिए, चलिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 + sin θ (1 - sin θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ) का मान निकालिए। और दूसरा पार्ट इसी में दे रखा है, सेकंड कंडीशन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी अनुपात निकल के आता है, जो भी रेशियो आता है, वो सारे हमें समकोण त्रिभुज से मिलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से मिलते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज दिया है ए बी और सी, हमने इसको नाम दिया थीटा। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी,
इससे जुड़ा हुआ भुजा आधार होगा और ये कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। चलिए हमारे पास दे क्या रखा है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और हमें पता है कि कॉट जो है टैन का उल्टा होता है और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट हमारे पास हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार दे रखा है 7, तो आधार की बात करें तो हमारे पास दिया गया है 7 और अगर लंब की बात करें तो ये दिया गया है 8। तो इन्हीं वैल्यूज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो भुजाएं दी गई हैं गिवन है, तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय बच्चे हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे को फाइंड आउट करना है, लंब दिया गया है 8 और आधार दिया गया है 7, तो इस तरीके से ये बनता है 64 और ये बनता है 49 और यहाँ से वैल्यू ऐड होने के बाद 3 और 113 आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कर्ण का मान जो निकाला है वो है अंडर रूट 1/113। तो हमें तीसरी भुजा भी मिल गई है। अब हम अपने कंडीशन से जो हमें दे रखे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपान में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालते हैं। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा और ये रहा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों जब हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ हमने एक सर्वसमिका आपको डेरिवेशन करवाया था जो था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 इक्वल टू 1। तो वहाँ से अगर हम साइन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको हमने इस तरीके से भी लिख के दिखाया था। जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं वो जाके बेसिक देखिए, तभी आपका बेसिक अगर बिल्डअप होगा तो क्वेश्चंस करने में आपको मज़ा भी आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया गया है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस यहाँ कॉस दिया गया हमारे क्वेश्चन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और लंब हमारे पास दिया गया है 8 और कर्ण दिया गया है 113। यही बात करें हम कॉस थीटा की क्योंकि हमें इनकी ही ज़रूरत है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण तक कर्ण। तो दोस्तों हमारे पास आधार दिया गया है 7 और कर्ण की बात करें तो ये दिया गया है 113। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन की जगह हम रख सकते हैं 8 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस की जगह हम रख सकते हैं 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 आएगा और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से हमके हमें मिलेगा 7 × 7 = 49 होगा और ये 113 मिलेगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 113
माइनस 64 अपान 113 बटे में 113 माइनस का से 49 और ये रहा 113। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें जो मिलता है ये मिलेगा 9 और फिर यहाँ से 4 मिल जाएगा अपान का, यहाँ हमें मिलेगा 4 और 6, ये हमारा आंसर रहा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो हमने इसी को फर्दर लिखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में हमने ये चीज़ देखा था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फर्स्ट इसका डिस्कशन हमने सेकंड पार्ट में किया है। तो ये हमारा रहा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो ये रहा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दोस्तों हमें कॉट दिया गया है 7/8, तो ये रहा 7/8 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है 49/64, ये भी आपका आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ। बताना है कि ये जो कंडीशन दे रखा है ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा 1 माइनस टैन स्क्वायर a अपान का 1 प्लस टैन स्क्वायर a, और हमको दिखाना है कि ये जो है इक्वल है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, तो ये है 3 cot a = 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट a इक्वल टू 4/3। दोस्तों हमें पता है कि जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, और टैन हमारे पास जो होता है निकल के आता है लंब बटा आधार। तो इस बेसिस पे हम काट को बोल सकते हैं आधार बटा लंब। तो ये हो गया हमारा आधार बटा लंब। आधार बच्चे अगर इस एंगल a थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, और ये हमारा आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने की वैल्यू कर्ण होगी, भुजा कर्ण होगी। तो आधार दिया गया है 4 और लंब दिया गया है 3। हमें कर्ण फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो टैन कॉस और साइन है वहाँ हमें साइन में कर्ण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो साइन का अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण। तो हमें पता है कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएँ दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये रहा पाइथागोरस परमेय, पाइथागोरस परमेय। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस परमेय वी कैन राइट हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। कर्ण हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लंब की वैल्यू दे रखी है 3 का होल स्क्वायर और आधार की वैल्यू दे रखी है 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 9 और 4 × 4 = 16 हो गया। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो 25 होती है। हमारे पास यहाँ कर्ण स्क्वायर, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कर्ण। तो स्क्वायर को उधर अगर हम ले जाते हैं तो ये बनता है अंडर रूट, और यहाँ से हमारे लिए कर्ण जो निकल के आता है वो 5। तो फाइनली हमें कर्ण मिल चुका है और जिसकी वैल्यू है 5। हमें चाहिए क्या क्या प्रूव करने के लिए, पहला कंडीशन चाहिए टैन। तो अगर हम टैन की बात करते हैं तो टैन होता है लंब बटा आधार। टैन को लिखते हैं, लंब हमारे पास है 3 और आधार है 4। बात करते हैं कॉस ए की, तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण। दोस्तों हमें आधार दिया गया है 4 और कर्ण की बात करें तो ये दिया गया है 5। और अगर हम निकालते हैं साइन ए, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण।
लंब दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 5। तो चलिए हम इनको पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये कंडीशन जो दी गई है वो सही है या नहीं। चलिए भाई देखते हैं, ये रहा हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रहा हमारे पास 1 माइनस टेन की वैल्यू दी गई है 3/4 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 प्लस टेन की वैल्यू दी गई है 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस दिया गया है 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन दिया गया है 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं 1 माइनस 9/16 हो जाएगा और 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, और इधर होगा 16/25 और 9/25। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 16 माइनस 9 होगा और अपान का 16 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 9 होगा और अपान का 16 होगा, और ये होगा 7/25। 16 से 16 कैंसिल हुआ तो ये रहा 16 माइनस 9, तो ये 7/5 7 हुआ, और 16 प्लस 9 तो ये हो गया 25, और इधर भी हमें क्या मिला 7/25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, ये जो कंडीशन हमारे पास दी गई है वो सही है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद 7/25 मिल रहा है और दूसरा भी 7/25 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इन्हें मिटाता हूँ। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए कीजिए ठीक है भाई। पहला कंडीशन दे रखा है, फर्स्ट की बात करें, दिया गया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा कंडीशन जो हमारे को दिया गया है उसकी बात करें तो दिया गया है कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए और साइन सी। चलिए इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं भाई। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि जो हमें बी दिया गया है वो 90 डिग्री है, जो हमारा फिगर पहले से बना है वो ठीक है इसके लिए सही है। यदि टेन ए इक्वल टू 1/√3, ये हमारे को एक कंडीशन दिया गया है, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कहीं ना कहीं हमें लंब और आधार की वैल्यू दी गई है और हमें कर्ण निकालना है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, पहला कंडीशन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टेन ए दिया गया है तो यहाँ हम लिखते हैं टेन ए इक्वल टू दिया है 1/√3, और हमें पता है कि टेन जो होता है लंब बटा आधार होता है, यानी कि हमें लंब की जो वैल्यू दी गई है, अगर टेन ए यानी कि ए ये है तो इसके सामने लंब होगा और इससे लगी भुजा आधार होगा। तो लंब हमें दिया गया है 1, अगर हम बात कर रहे हैं एंगल ए की तो इसके सामने की ये भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, और ये दिया गया है 3। तो हम जानते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमें निकालना है। तो ये रहा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है और हमें लंब दिया है 1 का होल स्क्वायर और आधार दिया गया रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 रहा, ये 3 रहा और इस तरीके से कर्ण की जो वैल्यू निकल के आती है तो कर्ण ये हमारे पास 4 रहा, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट बनेगा और यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू निकल के आती है 2, क्योंकि अंडर रूट 4, अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो जो कर्ण हुआ वो हमारे पास निकल के आया 2। ठीक है, अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई हैं और हम जानते हैं जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, कॉसेक हुआ, सेक हुआ, कॉट हुआ, ये सारे के सारे अनुपात इन्हीं तीन भुजाओं से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, साइन ए है, कॉस ए है, तो पहले निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए और कॉस ए ये दोनों हमें निकालना है क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकाल के हम पुट करेंगे। तो अगर ये साइन ए की बात करें तो ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। और दोस्तों हमें लंब दिया गया है 1 और कर्ण दिया है 2। कॉस ए की बात करें तो होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हमारे लिए आधार होगा रूट 3 और कर्ण होगा 2। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस ए और साइन ए और कॉस सी और साइन सी की। तो देखते हैं सी हमारे पास ये है, तो अगर हम साइन एंगल सी की बात करेंगे, हमने अभी तक एंगल ए की बात की, जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यह आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो साइन सी इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों हमारे पास इसके लिए लंब का काम ये करेगा, ये होगा रूट 3 और कर्ण का काम ये करेगा 2। और कॉस सी की बात करें दोस्तों तो ये हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारे पास होगा जो वो 1 होगा और कर्ण होगा 2 होगा, तो ये हुआ 1/2। अब सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा के फिर यही दोनों क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला कंडीशन कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमने साइन ए की वैल्यू जो हमें मिला है वो है 1/2 और कॉस सी की जो वैल्यू मिली है वो है 1/2 प्लस का कॉस ए निकल के आया है दोस्तों रूट 3/2 और साइन सी जो निकल के आया है वो भी है रूट 3/2। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट विल बी ये रूट 3 × √3 हमें 3 मिल जाएगा क्योंकि रूट 3 का होल स्क्वायर होगा और ये हमें स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 3 ही मिलेगा और ये रहा 4। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1+3 इसको लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 ही होगा और ये 1+3 होगा और फिर ये 4/4 होगा और यहाँ से हमें कट के वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। तो दोस्तों सेकंड पार्ट दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए हमने निकाला है, हमारे पास जो कॉस ए है वो √3/2 और जो हमने कॉस सी निकाला है वो है 1/2 माइनस साइन ए हमारे पास निकल के आया 1/2 और साइन सी निकल के आया √3/2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद √3/4 और ये कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, तो यानी कि सेकंड पार्ट का जो आंसर हमें मिला है वो 0। इसे आप नोट करिए, मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, चलिए 10P के मान ज्ञात कीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे। अगर नहीं आपसे बनता है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसे भी करवा दूंगा। चलिए भाई देखते हैं। दिया गया कि हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, मैं इसे पी नाम देता हूँ, इसे मैं क्यू नाम देता हूँ और इसे मैं आर नाम देता हूँ। तो जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, दिया गया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पास जो पी की भुजा है उसका जो वैल्यू दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर है। फर्दर हम देखें तो दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो भुजा पी क्यू है, पी आर है, पी आर और प्लस में क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का योग हमें दिया गया है 25। तो अगर हम इसको मान लें यक्स से, तो दूसरी भुजा हमारी कितनी होगी, 25 माइनस यक्स। ठीक है, हमने इसको माना है यक्स और इन्हीं दोनों का योग 25 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस यक्स। और आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 25 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमें साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। अभी जो हमारे पास आधार है और कर्ण है वो यक्स के टर्म में है, यक्स हमारा एक चर है और इन्हीं को हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया गया है यक्स का स्क्वायर, लंब हमारे पास है 5 और आधार है दोस्तों 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रहा यक्स स्क्वायर, ये रहा 25 और ये रहा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये अगर ए स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 625, बी स्क्वायर हमारे पास यक्स होगा और माइनस का 2ab, यानी कि 2 × 25 यानी कि 50x हो जाएगा। इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल के उधर भी एक्स स्क्वायर है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 50x इधर ले आइए तो माइनस का 50x इधर आके प्लस का 50x बन जाएगा और 625 प्लस 25 मिलके हो जाएगा 650 और 50 जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, तो यहाँ एक्स जो निकल के आया 65/5 और इस तरीके से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 13। तो यहाँ हमारा यक्स जो निकल के आया दोस्तों वो रहा 13 और जब 25 माइनस 13 करेंगे तो ये हमें निकल के आएगा 12। तो इस तरीके से हमें तीन भुजाओं की लंबाई मिल गई है। अब हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो चलिए देखते हैं, बात करें अगर साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो पी हमारा ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, इससे लगी हुई भुजा आधार होगा और कर्ण वही रहता है 90 डिग्री के सामने, तो ये फिक्स रहता है। ठीक है भाई, हम जानते हैं साइन पी की बात करेंगे तो साइन पी होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है 13। कॉस पी की बात करें तो इसके लिए होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। एंगल पी के लिए 12 लंब का काम करेगा और जो 5 है वो आधार का काम करेगा, तो ये 5/13। और बात करें टेन पी की तो ये होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ से लंब हमें मिल गया 12 और आधार मिल गया 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ। 11 हमने आपको होमवर्क दिया है। और दोस्तों ये जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक देख लीजिए, क्योंकि बेसिक से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और फिर आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।